तो दोस्तों आज लेकर आया हूं मैं साइंस का 22वां सेट। जी हाँ दोस्तों, तो साइंस का 22वां सेट शुरू करने से पहले दोस्त आज मैं आपको बता दूं कि जो लोग मॉक टेस्ट दिए हैं उनका स्कोर कार्ड भी लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले 22वां सेट के जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्त, उसको शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो लोग मॉक टेस्ट दिए हैं उनका स्कोर जान लेंगे कि किसने कितना नंबर लाया है। जी हाँ, मॉक टेस्ट में। तो दोस्त ध्यान रखिए, जो लोग नए हैं उनको पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि दोस्त अगर आप भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी की साइंस में कितनी क्षमता है, तो दोस्त बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर जो पढ़ाएंगे उसका अगर पीडीएफ लेना है दोस्त, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या मॉक टेस्ट जो दीजिएगा उसका भी स्कोर कार्ड पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, वहीं पे इसका आंसर की भी मिलेगा। तो जितने भी चीजें होती है दोस्त उसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वैसे स्कोर कार्ड हम आपको इस पे दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर आए हैं उससे पहले हम करते हैं मॉक टेस्ट का स्कोर कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं, ठीक है दोस्त। इंपोर्टेंट है स्कोर कार्ड, देख लीजिए। जो लोग 85% लेकर आए हैं उनमें है तीन लोग शामिल है, कौन कौन है देख लीजिए, सुमित कुमार, गौतम कुमार और महिमा सागर। ये तीन लोग जो है 85% लेकर गए हैं, 85% यानी कि 20 में 17 मार्क्स लेकर गए हैं ये तीन लोग। पहला कहां से है, तो पहला देख लीजिए, ये सुमित कुमार जो है बॉक्सर से हैं। लोकेशन मेंशन क्या कीजिएगा, जो भी मॉक टेस्ट दीजिएगा लोकेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा, तभी पता लगेगा कि आप कहां से दे रहे हैं। हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कहां से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये मुझे जानकर खुशी होगी। तो दोस्त छोटी सी खुशी देने में आपको क्या जा सकता है, इसलिए लोकेशन मेंशन कर दिया कीजिए, बहुत अच्छा है, लोगों ने लोकेशन हमेशा मेंशन करते हैं, ठीक है। गौतम कुमार और महिमा सागर दोनों पटना से हैं, दोनों 85% लेकर के आए हैं। अब देखिए सुमित कुमार, गौतम कुमार और महिमा सागर, ये तीनों में से सुमित कुमार को ही ऊपर क्यों रखा गया, जबकि तीनों क्या है कि सेम मार्क्स लेकर के आए हैं। दोस्त इसलिए रखा गया है कि सुमित कुमार, गौतम कुमार और महिमा सागर से कम समय में 17 नंबर अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो जो जितना कम समय में नंबर अटेम्प्ट करेंगे उसका स्थान उतना आगे होगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए, माइंड तेज चलाइए कि कितना कम समय में हम कितना जल्दी क्वेश्चन को सही सही अटेम्प्ट कर दें, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका नाम इस लिस्ट के ऊपर और नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 75% लाने वाले जो है वो है कुलदीप, जो उज्जैन से दिया है इन्होंने, ठीक है। ये 75% यानी कि 15 मार्क्स लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्त, 15 मार्क्स लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको हम बता देते हैं 70% लाने वाले बहुत कैंडिडेट है, कौन कौन है तो देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। यह है श्रवण कुमार, ठीक है, श्रवण कुमार जो बांका बिहार से है, 70% लेकर के आए हैं ये 14 मार्क्स। ये 14 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, तो चार लोग है, कौन कौन है देख लीजिए, मनीष कुमार यानी कि एमपी से है, ठीक है। उसके बाद मनीष बलिया से, अच्छा मनीष दो दो है, एक एमपी से एक बलिया से है, ठीक है। इन दोनों ने जो है सेम मार्क्स लिखे हैं, नाम भी सेम है इनका, क्या बात है, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए सोनी जो छत्तीसगढ़ से है, सनी सोनी करके है जो छत्तीसगढ़ से है, ये 14 मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो 13 मार्क्स लेकर के आए हैं, उनका हम आपको बता देते हैं कि कौन कहां से देते हैं, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। हाँ तो जो आपको हम बता देते हैं क्या है कि 13 मार्क्स यानी कि 65% लेकर के आने वाले हैं लोग, देख लीजिए ये बिक्की, तो बिक्की जी आप क्या कीजिए कि अपना लोकेशन जरूर मेंशन कीजिए ताकि लोगों को पता लगे, हमें भी खुशी हो जान करके कि आप कहां से दे रहे हो, ठीक है। संतानु, संतानु भाई आप हमेशा लोकेशन मेंशन करते हो, ये मुझे मुझे पता है कि आप कहां से देते हो, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि कहां से दे रहे हैं, अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज लोकेशन मेंशन क्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए रघुनाथ जो कहां से है, आपका कन्नौज से है, ठीक है, इन्होंने भी 13 नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए रोशन कुमार यादव जो गया से है, 65% लेकर है। रेहान जो है पूर्णिया से है, जो ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। प्रिया कुमारी समस्तीपुर से है, ये भी 65% लेकर के आई है, 65% लेकर के आई है, ठीक है। तो देख लीजिए ये लोग क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। प्रिया अच्छा परफॉर्मेंस की है पिछले टाइम के मुताबिक, मैंने जैसा बोला था इन्होंने मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी चीजें हैं। उसके बाद देख लीजिए 60% जो लेकर के आए हैं उनका मैं आपको बता देता हूं मार्क्स, तो 60% लेकर के आए हैं ये अनूप कुमार जो कहां से है, आपका गाजीपुर से यानी उत्तर प्रदेश से है, जो 60% यानी कि 12 नंबर लेकर के आए हैं। जी हाँ,
उसके बाद अनुभव कुमार जो बांका यानी कि बिहार से है, ये भी क्या है कि 60% 12 नंबर लेकर के हैं। 60% में एक शामिल है बिमला कुमारी, ठीक है, जो कहां से है, लोहर गद्दा से है। ये बार बार मुझे नाम लेने में दिक्कत हो जाती है, ये झारखंड से है, ठीक है, सीधा झारखंड मेंशन कर दीजिएगा अच्छा रहेगा, थोड़ा ये नाम मुझे लेने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे लोगों ने अब की बार मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। ऊपर देख लीजिए गौरव कुमार जो नालंदा से दिए हैं 50% यानी कि 10 नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। सीतापुर, सीधा सीतापुर कर दिए हैं, ये क्या है कि थोड़ा नाम मेंशन कीजिए, लोकेशन तो ठीक है सीतापुर आपका ठीक है कर दिए हैं, लेकिन कम से कम नाम तो मेंशन कर दीजिए कि क्या नाम है आपका। ए प्रयागराज, ए प्रयागराज, कुछ लोग जो है मुझे लग रहा है कि फेक आईडी से कर दिए हैं, लेकिन ये सही नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ही आप जो है नौकरी ले पाइएगा, वरना अगर आप मुझे चीट कीजिएगा तो मुझे चीट करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को चीट कर रहे हैं ये। तो इस तरह से देखिए अच्छी अच्छी चीजें है, कम से कम फेक आईडी से नहीं दीजिए, और जो आपका अपना मेहनत है उसके अकॉर्डिंग आप कितना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जो आपको आता है उसी पर जो है मॉक टेस्ट दीजिए, जरूरी नहीं है फेक आईडी से बना करके पहले दे लिए फिर दोबारा अटेम्प्ट किए, नाम ऊपर आ गया नीचे आ गया, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ मतलब ही नहीं बनता है, इससे अच्छा है कि आप मॉक टेस्ट दे ही नहीं। तो ये चीज है। चलिए, तो बहुत सारे इसमें क्या है कि लोग आए हुए हैं, इसमें मॉक टेस्ट दिए हैं, तो देख लीजिए जिन्होंने, जिनका नाम मैंने नहीं लिया है मॉक टेस्ट में, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उनका पता चल जाएगा उस पर कितना नंबर पे है कितना नंबर पे नहीं है, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि अगर आप अभी तक के मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला होता है, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा तभी पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए सब हम चलते हैं किस पे, जो आज का साइंस है दोस्तों, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम उस पे चलते हैं, उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्या है कि दोस्त चल रहा है अभी तंत्रिका तंत्र यानी कि बायोलॉजी से चल रहा है, फिजिक्स खत्म कर चुके हैं जिसमें 800 क्वेश्चन दे दिए थे, 40 सेट दे दिए थे, उस 40 सेट को अगर पढ़ लेते हैं आप तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, उसी से आएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले, ध्यान रखिएगा उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो क्या कीजिए कि अगर वीडियो पिछला आप नहीं देखे हैं फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का अभी पीडीएफ दिए नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फिजिक्स का पीडीएफ उसे टेलीग्राम पे हम दे देंगे। अभी बायोलॉजी का जो चल रहा है उसका हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहा है, तो चैप्टर वाइज ये पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, फिजिक्स का अभी दिए नहीं, फिजिक्स का बाकी है उसे बस दे ही देंगे, ज्यादा समय नहीं है, कंप्लीट करते ही दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें अभी क्या है कि तंत्रिका तंत्र चल रहा है, ठीक है, इससे पहले क्या है तंत्रिका तंत्र किसमें आता है, तो ये मानव शरीर में आता है, ह्यूमन बॉडी में आता है, ह्यूमन बॉडी में ही मैंने क्या किया है आपको श्वसन तंत्र से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, पाचन तंत्र से दे दिया, उत्सर्जन तंत्र से दे दिया, ये तंत्रिका तंत्र चल रहा है, ठीक है। तो ये जितने तंत्र है इसी से 20 अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है, ज्यादा बायोलॉजी अब नहीं बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है जिसको जल्द ही खत्म किया जाएगा और फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए इसमें जो पहला आपको देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं इस फोटो में मेरे रज्जु कहां स्थित होता है, ये कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ये आपको देना है जवाब, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है, मेरे रज्जु कहां पे स्थित होता है ये बता दीजिए। चलिए आप जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उससे हम शुरू करते हैं, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, तभी समझ पाइएगा कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ठीक है, वरना ऐसे पता नहीं चलेगा, भगा भगा करके वीडियो देख लीजिएगा पता नहीं चलेगा। चलिए शुरू करते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे दिया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है उल्टी यानी कि वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, कौन है मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो वोमिटिंग करते हैं ना, तो वो उसको कंट्रोल करता है, वो कौन है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन दे दिया है कि मध्य मस्तिष्क करता है, दूसरा कि रीढ़ की हड्डी करता है, या पश्च मस्तिष्क करता है, या चौथा दे दिया है कि अग्र मस्तिष्क करता है। दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बनती है, इसलिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन को डाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए कि वोमिटिंग जो हम लोग करते हैं उसे कौन कंट्रोल कर सकता है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर जो आप पश्च मस्तिष्क देख रहे हैं, ये वैसे पश्च मस्तिष्क में जो होता है ना वो मेडुला कंट्रोल करता है, लेकिन मेडुला इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा जो जानते हैं आप, तो वो मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है, वोमिटिंग जो करते हैं उसको जो है
ये कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन में अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा दे देता है तो मार देते, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा ये पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पश्च मस्तिष्क जो होता है, पिछला जो मस्तिष्क होता है उसका तीन भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? एक तो मेडुला होता है, एक आपका क्या होता है कि पोन्स होता है, एक अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क कहने का मतलब सेरिब्लम होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन दोस्त पूछे जा सकते हैं ये देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। पूछा जाता है ये, देखिए ये इस पॉइंट को नोट करिएगा, अग्र मस्तिष्क, जैसे मस्तिष्क का तीन भाग होता है ना, तो मस्तिष्क के कौन कौन भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क होते हैं, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, तीन भाग होता है ना मस्तिष्क का। तो ये तीन भाग मस्तिष्क होते हैं जो पूछे जाते हैं आपको। इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि अपने विचार का जो संग्रह करते हैं या सोचने की विचार या जो हम करते हैं वो कहां पे करते हैं दोस्त? वो अग्र मस्तिष्क में करते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, ज्ञान मस्तिष्क होता है, प्रम मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क उपखंड होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सभी पॉइंट को नोट करके रखिएगा जितना बता रहे हैं उतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा जो सांस लेने को कंट्रोल करता है, सांस लेते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करता है, ये मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, या मस्तिष्क का आपका दे दिया कि अगला भाग होता है, या मज्जा होता है, या अनुमस्तिष्क होता है, कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, सांस लेने की जो कंट्रोल करते, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। तो सांस लेने को लेते हैं, छोड़ते हैं, उसको जो कंट्रोल करता है ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, मज्जा, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, पूछा जाता क्या क्या है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है, इसको समझ लीजिए, पॉइंट को बता देते हैं, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपको हम बता देते, जिसकी मेडुला आपको हम बता ही दिए कि पश्च मस्तिष्क में क्या होता है कि यह स्थित होता है, सबसे निचला भाग होता है, ये क्या कंट्रोल करने का काम करता है? तो जो भी खांसी छींकते हैं, सांस लेते हैं, हृदय करते हैं, हृदय की धड़कने होती है, ये सभी जो है मेरुरज्जी यानी कि मज्जा के द्वारा होता है, ठीक है। मेरुरज्जी यानी कि मज्जा में होता है ये सभी चीजें, क्या होता है कि अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक, जिसपे क्या करते हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते, छींक आ रहा है हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दिल की धड़कने चल रही है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज हम कंट्रोल नहीं करते हैं उसको अनैच्छिक के अंतर्गत रखा गया है, और उसे जो कंट्रोल करता है मज्जा यानी कि मेरुरज्जी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये चीजें पूछा जाता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऐच्छिक में रखा जाता है। तो ध्यान रखिए इस चीज को, जैसे कि हाथ की मुट्ठी को बांधना, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलना दौड़ना, उठना बैठना, ये सब क्या होता है कि हम ऐच्छिक में आता है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि आपका ताप मापी निहित होता है, जो ताप को जो है क्या करता है, कंट्रोल करने का, एक तरह से कह सकते हैं कि काम करता है, ये मानव में कौन सा अंग होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि पिनियल ग्रंथी होता है, या पायरॉइड ग्रंथी होता है, या पीयूष ग्रंथी होता है, या हाइपोथैलेमस होता है, दोस्त होता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जो अपने शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है वो होता है हाइपोथैलेमस, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब थोड़ा सा ये पूछा जाता है, क्या पूछता है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये पूछ देता है कि मनुष्य के शरीर को टेम्परेचर यानी कि जो कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, सबको नोट करते कम से कम चलिएगा, कॉपी किताब रखिएगा, नोट करते चलिएगा, पीडीएफ एक दो दिन के बाद जो है टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो कोई नहीं, टेलीग्राम पे लेने से पहले ही नोट करके रखिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा, सही चीज रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में इससे कौन सा ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है मतलब क्या, अनैच्छिक क्रिया जिसपे क्या है कि मनुष्य का कंट्रोल नहीं होगा, ऐच्छिक क्रिया पे कंट्रोल करेंगे, अनैच्छिक पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ऐच्छिक क्रिया नहीं है मतलब अनैच्छिक क्रिया है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि कुर्सी को घुमाना, ये हो सकता है, या हृदय की धड़कन है, या आपका दे दिया है कि पहले बंद करना होता है, या चौथा दे दिया है इसमें कि किसी वस्तु पर बात करना। तो ध्यान रखिएगा,
ये जो होता है हृदय की धड़कन जो होता है वो ऐच्छिक नहीं होता, अनैच्छिक होता है। उस पर हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता ही दिए हैं, बता दिए हैं इससे पहले क्या बताया कि अच्छी क्रिया एक होती है जिसपे आदमी जो है क्या होता है कि कंट्रोल, मनुष्य जिस पर क्या होता है कि कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऐच्छिक क्रिया में आती है, ठीक है। जैसे कि बोलना, हम बोल रहे थे, बोलते हुए चुप हो जाएंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे इस पे, तो ये ऐच्छिक क्रिया में आती है, ठीक है। वस्तु को लेना, इस वस्तु को हम उठा लिए, ऐच्छिक क्रिया, जब करेगा छोड़ देंगे, जब मन करेगा उठा लेंगे, ऐच्छिक क्रिया होती है। मुट्ठी को बंद करना, खोलना, कुर्सी उठाना, चलना फिरना, उठना बैठना, सब ऐच्छिक क्रिया में आता है, ठीक है। जिसपे कंट्रोल नहीं कर सकते है, करता है मनुष्य, उसको हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे हम आपको बता भी दिए इससे पहले, हृदय की धड़कन हो गया, सांस लेना छोड़ना, भोजन का पाचन क्रिया होना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो इस पे क्या होता है कि मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता, मनुष्य इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन आपको दे दिया है कि ईसीजी शरीर के किस अंग की जांच की जाती है, ईसीजी के द्वारा शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। दोस्त, ईसीजी के द्वारा जो होता है वो हृदय की जांच की जाती है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कई बार पूछा गया है। जैसा कि मान लीजिए कि आप टेक्नीशियन, आप जो है क्या है कि ग्रेड थ्री में है, चाहे कोई भी टेक्नीशियन मेडिकल एग्जाम होगा ही आपका, जब पास कीजिएगा सीबीटी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम होगा तो उसमें आपका ईसीजी भी कराया जाएगा। ईसीजी कैसे चेक होता है देख लीजिए, पूरा बॉडी खोल देगा, लगा देगा तार जैसा पूरा, ये ईसीजी होता है। तो ईसीजी इसी के द्वारा चेक किया जाता है। इसमें हृदय की जो है क्या होती है कि चेक किया जाता है कि इसका हार्ट जो है सही से पंपिंग कर रहा है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये होता है। ईसीजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है आपको कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो कहता है कि बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। जी हाँ, जो बुद्धि ये होता है, सोचने की क्षमता, बुद्धि जो होता है, स्मृति होता है और भावनाओं का केंद्र होता है, ये मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला दे दिया है कि हाइपोथैलेमस, दूसरा आपको दे दिया है कि कार्पस, तीसरा दे दिया है सेरिब्रम, चौथा आपको दे दिया है कि मिड ब्रेन, कौन होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो होता है ना, ये मस्तिष्क जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का, इमोशनल का जो केंद्र होता है ना दोस्त, वो होता है आपका सेरिब्रम। ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये सेरिब्रम, अग्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो कहते हैं इसको, अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम, ठीक है। तो ये होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान रखिए, सेरिब्रम करता क्या है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो सेरिब्रम का क्या करता है कि जो बॉडी का जो जितने भी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उसको बैलेंस बनाए रखने का काम करती है, ये सेरिब्रम यानी अनुमस्तिष्क जो होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछता है ये कभी कभी, ठीक है, तो भूलना नहीं है हमको। अब वैसे पीडीएफ मिल जाएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा इसको, अभी नोट्स भी तैयार कर लीजिए। देख लीजिए, दे दिया कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जी हाँ, वजन कितना होता है, ऑप्शन बता दिया है, बताइए। अगर आपको इसमें ग्राम में दे देता, केजी में दे देता, तो आप ऐसे मार देते, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ग्राम या केजी में नहीं दिया है, अब परसेंट में दे दिया। ये नया तरीका है पूछने का, 2016 में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, ये नया तरीका है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसमें जो आपको हम बता देते हैं कि मस्तिष्क का वजन जो होता है वो शरीर का जितना भी वेट होता है, भार होता है, उसका मात्र 2% जो होता है ये मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है, मात्र 2%। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। शरीर का कुल वजन का जो होगा लगभग 2% होता है, लगभग 2%। वैसे अगर जो है आप ग्राम में जाइएगा तो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम जो होता है, क्या होता है कि ये इसका वेट होता है लगभग, ठीक है, कभी 1500 भी दे देता है, लेकिन 1600 या 1200 ना देगा, ध्यान रखिएगा, 1350 से लेकर के 1550 के बीच ही देता है, कभी 16 नहीं देगा और कभी 17, वो फॉल्स गलत ऑप्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। कभी कभी आपको 1400 ग्राम दे देगा, कभी कभी 1450 ग्राम दे देगा, कभी कभी 1500 ग्राम दे देगा। अगर जो 1500 ग्राम, 1300 या 1500 के बीच अगर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो इसको मार दीजिएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, ये चीजें पूछा जाता है, इसलिए आपको हम बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया है अगला क्वेश्चन, इसमें दे दिया है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना जो होती है वो कितनी देर ठहरी रहती है, ये बताना है। जो हम सुनते हैं या बोलते हैं तो वो मस्तिष्क में जाकर के, क्या कान जो है मस्तिष्क से जुड़ा होता है, आंख भी क्या होता है, मस्तिष्क से ही जुड़ा होता है,
तो वो कितना देर तक के मस्तिष्क में ठहरता है ये बताना है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि 0.1 सेकेंड या 10 सेकेंड या 0.001 सेकेंड या दे दिया 0.2 सेकेंड। ध्यान रखिएगा जो भी हम बोलते हैं वो सुनते हैं और सुनने के बाद जो मस्तिष्क में जाती है तो मस्तिष्क में जाने के बाद कितनी देर ठहरती है दोस्त? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड या 1/10 सेकेंड दे दिया दे देगा या तो 0.1 सेकेंड दे देगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, पूछा भी गया है तो इसे ध्यान रखना, 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया कि दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, दो न्यूरॉन के बीच जो है जंक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि प्रेरक तंत्रिका अंत प्लेट कहा जाता है या अंतराल जो है जोड़ कहा जाता है या दे दिया है थर्ड नंबर में आपको दे दिया है कि रेनवियर के नोड्स कहा जाता है या चौथा दे दिया है सूत्र युग्मन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दो तंत्रिका तंत्र जहां जुड़ते हैं उसके बीच के भाग को जो है ये फोर्थ नंबर सूत्र युग्मन कहा जाता है। ठीक है, दिखा देते हैं आपको, फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए ये तंत्रिका तंत्र है, इंग्लिश में देख लीजिए क्या कहा जाता है, हिंदी में सूत्र युग्मन कहा जाता है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो शाखाएं निकली होती है उस शाखा को डेंड्राइट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो शाखा देख रहे हैं बहुत तरह जाल जाल की तरह है उसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कब पूछा गया है देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी छोटी जो शाखाएं निकली होती है न्यूरॉन से उसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है। कई बार पूछा है ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी में पूछ दिया है सवाल को, तो ध्यान रखना है इस चीजों को, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि पिन्ना डैश का बाहरी भाग है, तो पिन्ना किसका भाग है ये बताना है। ऑप्शन दे दिया है कि नाक का बाहरी भाग हो सकता है, या दूसरा दे दिया है कान का, या तीसरा उंगलियों का, या चौथा आपको दे दिया है कि आंख का। ये पिन्ना जो होता है वो किसका भाग होता है ये बताना है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा ये पिन्ना जो होता है ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कान का। कान का बाहरी भाग जो होता है पिन्ना होता है। ठीक है, इसी के सहारे सुनते हैं। अब देखिए आपको हम बता देते हैं कि कान से आखिर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कान से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा यह पिंडा जो होता है आपको क्या बता ही दिए कि आसपास को ध्वनि को ग्रहण करने का काम करता है, ये जेई के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपको बताते हैं कि कार्टी अंग पूछा जाता है, कि कार्टी अंग जो है वो किसका अंग है, इसका काम क्या होता है। तो कार्टी अंग जो होता है वो क्या होता है कि कान का ही एक अंग होता है जो सुनने से संबंध रखता है, पूछा गया है जेई के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है आपको कान से ही रिलेटेड है कि ऑडिटोरी किससे संबंधित है। तो दोस्त ये भी कान से संबंधित है, ये भी सुनने से संबंधित रखता है और पूछा गया है, ये भी क्या जेई के सवाल में पूछा गया है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कान से ही रिलेटेड पूछा जाता है कि ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है, ईयर ड्रम का दूसरा नाम पूछ देता है। तो कर्णपट्टी झिल्ली कहते हैं, ईयर ड्रम को क्या कहते हैं, कर्णपट्टी झिल्ली कहते हैं, ये भी पूछा गया है जेई के एग्जाम में। ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दे दिया है कि आपको कभी कभी पूछा जाता है कि कान का कॉर्लियल भाग ध्वनि कंपन को किसमें बदलता है। तो ये ध्वनि कंपन को, ये जो होता है कान का कॉर्लियली भाग जो होता है वो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत में बदलने का काम करती है। ये पूछ दिया है जेई के एग्जाम में ही 2 बार पूछ दिया है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी कान की कौन सी होती है, स्टेपीस, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसमें ऐड नहीं किए हैं लेकिन लिख लीजिएगा, स्टेपीस होता है कान का सबसे छोटा हड्डी होता है, पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि अल्फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, अल्फैक्ट्री शब्द किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि श्रवण से यानी कि सुनने से है, या दूसरा स्पर्म से है, या तीसरा आपको दे दिया कि दृष्टि से है, या चौथा दे दिया गंध से है। तो ध्यान रखिएगा ऑल्फैक्टरी जो शब्द होता है, वर्ड जो है दोस्त, वो गंध से होता है, स्मेल से होता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, पूछा गया है जेई के एग्जाम में, छोड़िएगा मत, ये मत सोचिएगा कि छोटा मोटा क्वेश्चन है, घाव छोटा हो या बड़ा हो जख्म देता ही है। ठीक है, इसी तरह से दुश्मन छोटा हो या बड़ा हो दुश्मन को कभी छोटा मत समझिए, किस समय आपको पछाड़ देगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ये माइंड में सेट करके चलिए कि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड हो, बस इतना फोकस करके चलिए कि हमें निकालना है एग्जाम को। तो किसी भी
जो क्वेश्चन जो आता है उसे कमजोर मत समझिए और इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर करने वाला जो आदत होता है ना लोगों को, वो सबसे खराब होता है, आदमी को पूरा डुबा देता है। ठीक है, तो ये सबसे थोड़ा अवॉइड कीजिए ये सब चीजों से, और थोड़ा सही डायरेक्शन में चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपका दे दिया है इसमें कि एक न्यूरॉन के कोशिका शाखित रखना को क्या कहा जाता है, कोशिका शाखित रखना को क्या कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि पेरी कैरियन कहा जाता है या डेंड्रॉन कहा जाता है, या तीसरा दे दिया कि स्वान स्वान का स्वान से कहा जाता है या सोमा कहा जाता है। दोस्त क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा एक न्यूरॉन के जो कोशिका रखना जो होता है, कोशिका रखना नाम ही है ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो ये सोम कहते हैं। फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट, सोम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। जी हाँ, अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। अणु मस्तिष्क किसका भाग है पता है ना, बताए थे। चलिए ऑप्शन में ही देख लीजिए, ऑप्शन में ही क्लियर कर देंगे आपको अणु मस्तिष्क किसका भाग है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि इसमें दो भाग होते हैं जिसमें क्या होता है कि प्रमस्तिष्क और गोलार्ध कहा जाता है ठीक है, या इसमें आपको दूसरा नंबर आपको दे दिया है, हाँ दूसरा नंबर इसमें आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि इसमें क्या है कि पिछले क्षेत्र में, ये मस्तिष्क क्या था कि पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, ये दे दिया है, या तीसरा आपको दे दिया है कि यह मस्तिष्क के, यह क्या है कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है ठीक है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि यह मस्तिष्क क्या होता है कि काफी छोटा और लगभग जो है 12% का होता है ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अणु मस्तिष्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है कि गलत है। तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर मेरा स्टेटमेंट जो देख रहे हैं ये गलत है, इसमें दो भाग नहीं होते दोस्त, इसमें तीन भाग होते हैं। क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। तो ये गलत है, कौन तीन भाग होते हैं, तो दो पार्श्व होता है, एक जो बर्मिस होता है, ये तीन भाग उसमें होते हैं ठीक है। तो ये गलत दे दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो तंत्रिका आवेग जो होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि विद्युतीय होता है, दूसरा नंबर दे दिया है आपको कि भौतिक होता है, तीसरा दे दिया कि रासायनिक होता है, चौथा आपको दे दिया है इसमें कि विद्युत रासायनिक होता है। तो तंत्रिका आवेग जो होती है ना वो प्रकृति से क्या होती है कि विद्युत रासायनिक होती है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा ठीक है, विद्युत रासायनिक होता है। तो पॉइंट क्या पूछा जाता है ये समझिए, ये पूछ दिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिका आवेग की प्रकृति जो होती है ना वो विद्युत रसायन होती है, ये तो क्वेश्चन ही दे दिया ना, तो ये क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, यानी अणु मस्तिष्क के बारे में गलत दिया हुआ है ठीक है। इससे पहले भी अणु मस्तिष्क के बारे में ही था, यह भी स्टेटमेंट अणु मस्तिष्क के बारे में है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, तो अणु मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है ठीक है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि यह मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के क्षेत्र में स्थित होता है, यह भी सही है, यह अणु मस्तिष्क पीछे ही तो स्थित होता है पश्च मस्तिष्क में, पिछले वाला मस्तिष्क होता है उसी में यह स्थित होता है, यह सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन दे दिया है, थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें दे दिया है कि यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग होता है, लगभग 25% होता है, ये गलत दे दिया है, ये 25% नहीं होता है, ये 11 से 12% होता है, ध्यान रखिएगा ठीक है। मस्तिष्क का ये क्या होता है, लगभग 11 से 12% होता है, इसे पिछले वाले में भी देखिए होइएगा उसमें 11 से 12% था दिया हुआ था, वो सही था ठीक है। तो ये गलत दे दिया स्टेटमेंट, इसलिए ये क्या है कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अणु मस्तिष्क मतलब क्या, सेरिब्रम, सेरिब्रम मतलब बता ही दिए हैं आपको क्या करता है, सेरिब्रम आपको बता दिए हैं कि वो पूरे शरीर को क्या करता है कि बैलेंस करने का काम करता है ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब अनैच्छिक क्रिया है। अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना, ये उसी समय क्वेश्चन दिया हुआ था, कोई नहीं, तो ये तो पता ही आपको, हृदय की धड़कन अनैच्छिक है ठीक है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो ये रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दोस्त दे दिया है आपको कि मानव शरीर में कितनी
मेरु तंत्रिकाएं होती है। जी हाँ, कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है मानव के शरीर में, यह बताना है। पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन दे दिया है कि 31 जोड़ी, दूसरा दे दिया आपको 33 जोड़ी, तीसरा दे दिया 30 जोड़ी, और चौथा आपको दे दिया है कि 32 जोड़ी। कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है मनुष्य के शरीर में? ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो होती है ना दोस्त, वो होती है आपकी 31 जोड़ी। ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये 31 जोड़ी होती है। यानी कि मनुष्य के शरीर में ध्यान रखिएगा 12 जोड़ी जो होता है वो कपाल तंत्रिकाएं होती है, 12 जोड़ी कपाल का तंत्रिकाएं, और 31 जोड़ी जो होती है वो मेरु तंत्रिकाएं होती है। ध्यान रखिएगा, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी, और कपाल जोड़ी जोड़ी जो होती है, कपाल तंत्रिका जो जोड़ी होती है वो 12 जोड़ी होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि कपाल से आपको दे दे, तो 12 जोड़ी ध्यान रखिएगा, लिखते चलिएगा, कम से कम नोट्स में सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया कि पोंस मानव के किस अंग का भाग है। जी हाँ, पोंस मानव के किस अंग का भाग है? हम आपको बता ही दिए थे कि मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अब ये कौन से मस्तिष्क का है, इसमें क्लियर नहीं है दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सीधा दे दिया गुर्दा, दे दिया मस्तिष्क, तीसरा अधिवृक्क, चौथा दे दिया है आपको हृदय, मस्तिष्क दे दिया है। तो ये पेंस जो होता है आपको बता दिए थे कि पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, उसी में मेडुला होता है, पोंस होता है, अनुमस्तिष्क होता है, यानी कि सेरिब्रम होता है, तीन होता है। सीधा मस्तिष्क दे दिया कोई नहीं, अगर अनुमस्तिष्क देता तो पश्च मस्तिष्क देता तो भी हम इसको मार देते रहा, ठीक है। लेकिन पश्च मस्तिष्क यहाँ पे नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन वैसे हम इसको मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है? तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है उसको दोस्त जो कहा जाता है न्यूरोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूरोन। ये डिफिनेशन ही है, ये आपका सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि न्यूरोन होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कभी कभी देता है, एनटीपीसी के एग्जाम में दे दिया है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ये चीजें कहता है न्यूरॉन जो होता है ना वो शरीर की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, ध्यान रखिएगा जब पूछा जाता है तो ये चीजें। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। हाँ, दे दिया है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला दे दिया है कंडरा, दूसरा दे दिया है कि पेशी, और तीसरा आपको दे दिया है इसमें उपास्थि, और चौथा दे दिया है कि अस्थिबंध, ठीक है। कौन है जो हड्डी को जोड़ने का काम करती है? ये मानव तंत्र में कह रहा है, ध्यान रखिएगा, शरीर में नहीं कह रहा है। तो ये अस्थिबंध होगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये चीजें हैं। तो क्या है कि ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्त इसी तरह से क्या होता है कि पर डे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे आता है और डेली डाला जाता है, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो मॉक टेस्ट जाकर के दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और जितना भी पीडीएफ मिलेगा सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो फटाफट टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त चैनल भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्त इसी पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, और 40 में 40 दिलाने का बिल्कुल परफेक्ट आपको इससे जगह बढ़िया कोई नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।